मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सिक्स, सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर थ्री, चैप्टर्स नेम सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, सेकेंड पेज। लेट अस लर्न अबाउट सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस इन मिक्सचर। आज हम लोग मिक्सचर से यानी मिश्रण से पदार्थों को अलग करेंगे। द मेथड कॉमनली इज टू सेपरेट द कंपोनेंट बाय ए मिक्सचर इंक्लूड हैंड पिकिंग, सीविंग, थ्रेसिंग एंड विनोइंग। आज हम लोग विभिन्न विधियों के बारे में सीखेंगे, जिस विधि का नाम है हैंड पिकिंग, सीविंग, थ्रेसिंग एंड विनोइंग। इसके द्वारा हम मिक्सचर से सब्सटेंस को सेपरेट करेंगे, अलग करेंगे। तो फर्स्ट विधि है हैंड पिकिंग। द मेथड इज टू रिमूव अनवांटेड सब्सटेंसेस फ्रॉम ए मिक्सचर। हैंड पिकिंग विधि के द्वारा हम अनवांटेड सब्सटेंस को मिक्सचर से अलग करेंगे, अवांछनीय पदार्थों को मिक्सचर से निकाल कर बाहर करेंगे। यूजिंग हैंड्स इज कॉल्ड हैंड पिकिंग। उसमें हाथों का इस्तेमाल होता, हाथ से चुनकर उस सब्सटेंस को मिक्सचर से अलग करेंगे जिसकी ज़रूरत नहीं है। अनवांटेड सब्सटेंस को हम हाथ से चुनकर उसे अलग करेंगे। एग्जाम्पल, रिमूविंग अ स्मॉल स्टोन एंड इंसेक्ट फ्रॉम सीरियल। जैसे अनाज में कोई अगर छोटे छोटे पत्थर या इंसेक्ट अगर रहते हैं, या दाल में जैसे हम लोग खाना जब बनाते हैं तो चुनकर, हाथ से चुनकर उस पदार्थ को जिसकी ज़रूरत नहीं है, जो अनवांटेड है, उसे हम हाथ से चुनकर बाहर फेंक देते हैं। द मेथड इज यूज्ड व्हेन। फर्स्ट पॉइंट, कहाँ कहाँ ये मेथड यूज होगा। द अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस आर डिफरेंट फ्रॉम द फूड ग्रेन इन कलर, शेप और साइज। कलर से, शेप से और साइज से उस अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस को हम सेपरेट कर देते हैं, अलग कर देते हैं। पता चल जाता है कि अब जैसे कि चावल चुन रहे हैं तो उसमें अगर कुछ कंकड़ पत्थर हैं तो उसका शेप और साइज या कलर पता चल जाता है, और उसको उससे हम पहचान कर उसको हम अलग कर देते हैं। द अनवांटेड सब्सटेंस आर प्रजेंट इन अ स्मॉल क्वान्टिटी। अनवांटेड सब्सटेंस अगर स्मॉल क्वांटिटी में हो, सूक्ष्म मात्रा में हो, कम मात्रा में हो, तो इस विधि के द्वारा हाथ से चुनकर उसे हम अलग कर लेंगे। द क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर इज स्मॉल, और वह मिश्रण की मात्रा भी कम हो, तो उस स्थिति में हम हैंड पिकिंग के द्वारा हम अनवांटेड मटेरियल को सेपरेट कर लेंगे। सेकेंड विधि है सीविंग। द मेथड इज टू सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ डिफरेंट साइज इन ए मिक्सचर यूजिंग ए सीव इज कॉल्ड सीविंग। यानी सीविंग विधि है, चालन विधि, और उसमें अलग अलग साइज का सीविंग होता है, सीव होता है, जिसके द्वारा हम चाल कर छोटे और उससे बड़े साइज के अनवांटेड मटेरियल को हम मिक्सचर से अलग कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स, सेपरेटिंग सैंड फ्रॉम स्टोन। जैसे सैंड और स्टोन दोनों अगर मिला हुआ है तो उस साइज का हम सीव का इस्तेमाल करेंगे, जिससे बालू और स्टोन दोनों सेपरेट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन वन ऑफ द कंपोनेंट इज लार्जर देन द होल इन द साइज, और उस सीव का साइज उसी अनुपात में होगा जिस अनुपात में उसमें अनवांटेड मटेरियल है, उससे छोटा होगा यानी साइज छोटा होगा, अनवांटेड मटेरियल का साइज बड़ा होगा। इस प्रकार इसे हम दोनों को सेपरेट कर लेंगे। दैट्स ऑल।